फरवरी 2019 में इटावा के मुख्य विकास अधिकारी बने आईएएस डॉक्टर राजा गणपति रामास्वामी ने विकास कार्यों से इटावा की तस्वीर बदल दी। जिले में तैनाती के बाद जब उन्होंने कई युवाओं को सड़क किनारे दौड़ लगाते देखा तो दौड़ लगाने के लिए मॉडल पार्क बनवा दिए। मॉडल पार्क की योजना की बेहद सफलता के बाद मिले प्रोत्साहन के बाद राजा गणपति ने जिले के हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम बनवाने का काम शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राजा गणपति ने इटावा के ग्रामीण इलाकों में ओपन जिम खुलवाए हैं। जिले में 100 ओपन जिम खुलने की योजना है जिसमें 84 जिम बनकर तैयार हो चुके हैं। जिले के करीब 30 ग्राम पंचायतों में आरओ प्लांट स्थापित किए गए हैं। पानी को ठंडा रखने के लिए फ्रिज लगाए गए हैं। इस योजना से जिले के निवासी बेहद खुश हैं। साथ ही जिले की नदियों की सफाई, बकरी पालन से बीहड़ के लोगों को रोजगार देने राजा गणपति ने विशेष ध्यान दिया है। इटावा के ग्रामीण इलाकों को नया परिवेश देने वाले तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहने वाले राजा गणपति रामास्वामी MBBS की पढ़ाई कर चुके हैं। रामास्वामी अभी यूपी के युवा अधिकारी हैं। जब प्रयागराज में उनकी तैनाती थी तब उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर जनता उनका तबादला रुकवाने के लिए सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद शासन को उनका तबादला निरस्त करना पड़ा। न्यूज टैंक में आज देखिए 2015 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति रामास्वामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, न्यूज टैंक देख रहे हैं आप। मेरा नाम कुमार शशिवर्धन है और इस वक्त मैं इटावा में हूँ। कैसे ये आपको जहन में आया कि जिम होनी चाहिए गांव में? देखिए, ये व्यवस्था अभी हम लोगों ने शुरुआत इटावा से की है। लगभग इटावा जनपद में प्रत्येक गांव पंचायत में एक एक ओपन जिम लगवाना हम लोगों को टारगेट था। सो इसके तहत हम लोगों ने लगभग 13 स्टेडियम, मिनी स्टेडियम हम लोगों ने निर्माण किया है जी। और 25 पार्क का निर्माण किया और स्टैंड अलोन ओपन जिम के नाम तौर पे लगभग 100 जिम का निर्माण किया गया है। जैसे नाम से पता चल रहा आप साउथ इंडिया से हैं तो इधर वर्क कर रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका, कैसा कल्चर इधर का उस तरह का? देखिए, कल्चर नहीं है, लगभग हमारा कैडर यूपी ही है और 26 साल इधर ही नौकरी करना, लगभग हमारा नौकरी इधर 5 साल हो दी चुकी है। लोकल में लोगों से पता कर रहा था, आपका फीडबैक बहुत अच्छा लोगों ने दिया, आपके वर्क कार्यशैली को बहुत प्रभावित लोग हैं, मैं भी उसकी तारीफ कर रहा हूँ। सर, आपका क्या अनुभव है यहाँ के लोगों के प्रति? तो यहाँ का लोग अच्छा भी है, बहुत समर्थन भी देते हैं। जैसे मेरा स्टाफ और मेरा नीचे स्तर अधिकारी सब लोग मिलके हम लोग ने काम किया, उस वजह से मतलब इतना सारा काम 1.5-2 साल में हम लोग कर सकते हैं। आपने ऐसा काम किया कि आपके वर्क की वजह से एक ऑर्डर जारी हुआ, जियो जारी हुआ, उस पर सर क्या कह रहे हैं आप? लगभग 1.25 साल के बाद शासन स्तर से मतलब उसका तारीफ होके फिर अपर मुख्य सचिव महोदय ने एक शासन आदेश जारी किया है, उसमें ये लिखा है प्रत्येक पंचायत न्याय पंचायत स्तर पे प्रत्येक समस्त जिलाधिकारी महोदय को लिखा है, प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पे कम से कम एक ओपन जिम और एक स्टेडियम या एक पार्क निर्माण करने के लिए निर्देश दिया गया। सो इटावा जनपद में हम लोगों ने एक ब्लॉक एक पार्क या एक ब्लॉक एक स्टेडियम के नाम पे हम लोगों ने ये योजना शुरुआत की जी। आपकी टीम को बहुत अच्छा इनोवेशन भी। आगे सर इस तरह का कुछ ऐसा वर्क जो आपके जहन में हो करना चाह रहे हो? देखिए, अभी पिछले 1.5-2 साल से लगभग 1400 स्कूल्स को मतलब हम लोगों ने पूरा कायाकल्प किया है, उसमें दिल्ली सरकारी स्कूल में जैसे स्कूल फर्नीचर लगी हुई है ऐसे फर्नीचर लगाने के लिए कोशिश की और मनरेगा का तहत कोविड का कार्यकाल में हम लोगों ने लगभग 250 किलोमीटर का 4 नदियों को हम लोगों ने जीवनधार पुनर् किया। उसके साथ साथ इधर जमुना पारियों को जो बकरी है उसका हम लोग ब्रांड जमुना पारी का नाम पे मनरेगा का तहत लगभग 3 शेड, बड़ी शेड 30-30 लाख का मतलब हम लोगों ने नया शेड स्थापित किया, उसके माध्यम से जो जमुना पारी इटावा गोट कहा जाता है अंग्रेजी में, वो चीज उसका प्रचार प्रसार मतलब पूरा प्रदेश में और पूरा भारत में मतलब फैला सकते हैं। पूरे देश में पता है सर, जो इटावा का बीहड़ क्षेत्र है पूरा सबको पता है, सब बीहड़ के नाम से जाना था, तो उसमें विकास करने के लिए किस तरह की चुनौती है आपके लिए? बीहड़ क्षेत्र में बकरी पालन का मतलब बहुत स्कोप था, वो पर्टिकुलरली चकरनगर ब्लॉक में जमुना पारी बकरी का मतलब बहुत ही स्कोप था, उसके लिए हम लोगों ने मनरेगा का तहत काफी ज्यादा लाभार्थियों को हम लोगों ने शेड भी दिया है और ब्रांड जमुना पारी के नाम पे जो शासन का योजना है गो डेवलपमेंट योजना के मिलके कन्वर्जेंस का माध्यम से अच्छा काम किया जा रहा है। अभी लगभग 2 माह के पहले ये योजना या हम लोग ने शुरुआत की, कम्युनिटी बेस्ड गोट लाइवलीड एनहांस्ड प्रोजेक्ट, ये समूह का महिला के माध्यम से किया जा रहा है, ये नारी शक्ति को भी मतलब प्रतिबिंबित किया जाएगा जी। मैम, हम भी चाहते हैं कि आप ऐसे विकास करो और आपका विकास वर्क
मिसाल बने पूरे प्रदेश के लिए। आप थे डॉक्टर राजा गणपति आर और न्यूज़ टाइम देख रहे थे। मेरा नाम कुमार शशिवर्धन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।